तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से आज हम बात करेंगे इससे संबंधित भर्ती के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती मिलने वाली है, भर्ती मिलेगी जो कि आपको है यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी भी आपको भर्ती मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इससे संबंधित जानकारी, जो कि यहाँ पर आपको कल की डेट का ही अपडेट आया है। कल की डेट में ही ये पूरा कम्प्लीट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी भर्ती के बारे में। तो जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से ये भर्ती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आपको भर्ती मिलने वाली है, जो है जूनियर जुडिशियल या जूनियर असिस्टेंट की, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बाकी भी आपको जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भी आपको मिलने वाली है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक की भी है और कनिष्ठ सहायक की भी दोस्तों यहाँ पर आपको द्वितीय श्रेणी की भर्ती है। क्लर्क ग्रेड की भी आपको लिपिक की भर्ती मिलने वाली है। संयुक्त परीक्षा रहेगी, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान 20,800 से लेकर 65,900 तक आपका लेवल 5 के अनुसार वेतनमान यहां पर कंप्लीट रहेगा। चलिए दोस्तों यहां पर हम शॉर्ट में आपको इससे संबंधित सभी जानकारी बता देते हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आपके भर्ती से संबंधित। तो भर्ती दोस्तों यहां पर दो प्रकार की निकलती है, एक निकलती है TSP एरिया में और दूसरी निकलती है आपकी नॉन TSP में। तो TSP एरिया मतलब कि जो ट्राइबल वाले होते हैं, जो SC ST कैंडिडेट होते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले होते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर उनके जिले के लिए अलग से उनको ही बेनिफिट दिया जाता है, जो यहाँ पर ट्राइबल वाले या ट्राइबल कम्युनिटी से होते हैं। और नॉन TSP में दोस्तों यहाँ पर ऑल MP से, ऑल इंडिया से, ऑल राजस्थान से, सभी जगह से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, बाकी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास टाइपिंग से या स्टेनो से संबंधित केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी नहीं मांगा जाता है, बस आपसे यहाँ पर स्किल मांगा जाता है। तो बस केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डायरेक्ट आपकी ये भर्ती रहेगी, डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए, 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है 1/1/2023 के अकॉर्डिंग। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के लिए, OBC को भी रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलती हैं लोकल स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो उस राज्य का निवासी है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर फीस की, तो परीक्षा शुल्क में दोस्तों यहाँ पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर वाले और अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर अन्य राज्य के, जी हाँ दोस्तों ऑल इंडिया की यहाँ पर भर्ती अप्लाइबल है, तो अन्य राज्य के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 500 रुपये की फीस लगना है, जो कि यहाँ पर लोकल स्टेट के राजस्थान के हैं, जो हैं यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के या फिर आपके EWS वाले उनको 400 रुपये, और SC ST कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 350 रुपये का आपको फीस लगना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जरा से नीचे आएंगे, फीस आपको दी गई है। फीस के बाद दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिया गया है, यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस जरूर देख लीजिए। रिटर्न टेस्ट का जो रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 100 नंबर की हिंदी, 100 की इंग्लिश, 100 का आपको पार्ट सी में जनरल नॉलेज आएगा, और यहां पर आपको 120 मिनट दिए जाएंगे PH कैंडिडेट के लिए, और बाकी फॉर द जो कैंडिडेट है अदर कैंडिडेट 135 मिनट है। यहां पर आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन दिया गया है इससे संबंधित। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रकार के पेपर हो सकता है, ऑनलाइन भी और यहाँ पर OMR भी। ईच पार्ट में 50 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें आपका सिलेबस दिया गया है, तो इसको आप सिलेबस को भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन B रहेगा, जिसमें आपका राइटिंग और कंप्यूटर पर रहेगा, तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट और सेकेंड रहेगा, जिसमें आपका FNCHG टेस्ट रहेगा हिंदी इंग्लिश में से, आपको 5-5 मिनट के 25 मार्क्स के यहाँ पर दिया जाएगा, 5.5 यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स लाना या जो भी है यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर गति की परीक्षा का देख लीजिए मेथड रहेगा, दोनों चीज़ों पर रहेगी दोस्तों। यहाँ पर द फॉन्ट कंप्यूटर टेस्ट विल बी कुर्तीदेव 101 पर रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका कैलिबरी रहेगा हिंदी वाले में, दो यहाँ पर इंग्लिश में कैलिबरी रहेगा और हिंदी में आपकी कुर्तीदेव रहेगी वो 010 वाली।
8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड ऑन कंप्यूटर पर होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आवेदन कैसे भरना है तो ये चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं तो 22 अगस्त 2022 से यहाँ पर दोपहर 1 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। पूरा का पूरा आपको दोस्तों 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा जो कि रहेगा 22/9/2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भी दोस्तों यहाँ पर 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप यहाँ पर एक दिन का समय दिया जाता है। 23 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पर ये फॉर्म को कंप्लीट कर सकती हैं। फॉर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन दिया गया है। आप स्वयं घर बैठे ई मित्र से नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इसकी फ़ीस पे कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी भी आधार का जो आपकी आंसर शीट है या उससे संबंधित सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकती हैं, चेकआउट कर सकते हैं। भर्ती की अब बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से भर्ती देखने को मिलेगी जिसमें 320 टोटल पोस्टें दी गई हैं जो कि हैं कनिष्क सहायक की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 320 पोस्टें रहेंगी। कैटेगरीज वाइज दोस्तों यहाँ पर आप यदि चेक करना चाहें तो यहाँ पर जनरल, EWS, SC, ST, OBC या फिर MBC ये आर ओरिएंटल फिजिकल हैंडीकैप के लिए, यहाँ पर आप टोटल स्कोर रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हुआ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड क्लर्क या फिर लिपिक ग्रेड 2 की पोस्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पर 4 पोस्टें दी गई हैं संलग्न 2 के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की बात करें असिस्टेंट की तो यहाँ पर 18 दी गई हैं। ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है। नॉन TSP वो जो ऊपर थे वो TSP थे। नॉन TSP में बात करें तो नॉन TSP में दोस्तों यहाँ पर आपको जो पोस्ट है टोटल दी गई हैं वो देख लीजिए। पहले लिपिक ग्रेड की देख लेते हैं। लिपिक ग्रेड की 1985 पोस्टें दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों 69 पोस्टें दोस्तों यहाँ पर लिपिक ग्रेड 2 में भी आपको दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर TSP एरिया में और यहाँ पर नॉन TSP में आपको मिलेगी जो कि पोस्ट रहेंगी आपकी असिस्टेंट वाली जो असिस्टेंट की है तो 343 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको TSP नॉन TSP की अलग अलग यहाँ पर दी गई तो इसको भी आप रीड आउट करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।